बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल? ठीक हो? अच्छा जी, अज अं तुहानू नवी फसल बहाने डंगरां वास्ते। ए जी असा नवी फसल भी लाई है जी, चरी कमा दिन आंदे ने डंगरां वास्ते बहुत बेस्ट है। इंदे नाल डंगर जिहड़े ने इक ताज़ा हो जाते ने, रज के पट्ठे खाते ने, दुध भी बहुत ज़्यादा देंदे ने। जिहड़ा डंगर 2 किलो दुध देंदा होएगा उहनू रजवें पट्ठे पैणगे, वो 5-6 किलो दुध कर जाएगा। इसलिए लिया के आर की किला चरी का बीजा है कि 12 महीने ही चलती रहती है, बहुत छेती तैयार हो जाती। वढ़ के दातरिया ने इन वढ़ना पैंदा, इन वढ़ के ते बोरी खाद दी पाओ, फिर तैयार हो जाएगी छेती। ये जिनी छेती वढ़ांगे उन्नी छेती है पिछों तैयार होएगा। सियाल च घट हुंदा क्योंकि सियाल च ठंड की वजह तो यह जिहड़ा मठा हो जाता है। सियाल च इहनू खाद ज़्यादा पानी पैंदी है, गर्मियां च खाद घट पानी पैंदी है। गर्मियां जे धुप लगती है ज़्यादा यह हुंदा है, सियाल जे पैंदी है ठंड कक्कर पैंदे ने, जिहदी वजह ना यह घट तैयार हुंदा है। नाले जी जिन्ना मर्जी कद करे ना यह सुकदी है, यह हरे दा हरा ही रहिंदा है। तो जिन्नी मर्जी इहदे जे तूड़ी पा लवो, यह हरे दा हरा ही रहेगा। तो डंगर खांदे भी बहुत खुश हो के ने, तो मोटी मोटी गन्ने तरह बन जाते हैं, चरी बन जाती है, तो डंगर बहुत खुश हो खाते हैं।